नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनसीटी लाइव न्यूज। डीएनसीटी लाइव न्यूज की एक पुकार, घर पर रहिए सो परिवार। स्टे होम स्टे सेफ। गरीब मजदूरों को मिला पप्पू यादव का आश्वासन। कोरोना संकट में लॉकडाउन की स्थिति के वजह से गरीब मजदूरों को हो रही परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जिला सोशल मीडिया प्रभारी सह स्वास्थ्य प्रभारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की बातचीत। आइए देखते हैं इस बातचीत में गरीबों को क्या आश्वासन मिला है। माननीय जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव जी के निर्देश पर मधुबनी जिला सोशल मीडिया प्रभारी सह स्वास्थ्य प्रभारी मिथिलेश कुमार यादव जी ने आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से मुलाकात कर करोल बाग में फंसे बिहार के लोगों की समस्या को लेकर विशेष रूप से अपनी बातें रखी है। साथ ही मधुबनी के कुछ लोगों को 5,000 रुपए एवं कैंसर से पीड़ित रोगी को 2,000 रुपए पूर्व सांसद के रूप में तुरंत आर्थिक रूप से मदद किया गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जब तक ट्रेन नहीं चलती तब तक करोल बाग में फंसे लोगों की आप सूची तैयार करें, उन्हें जरूरत की सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वैसे बहुत जल्द बिहार के लोगों को घर भेजने की भी व्यवस्था की जाएगी और हमारी यही प्रयास रहेगी कि आप सभी को अपने घर सही सलामत पहुंचा दिया जाए। मिथिलेश कुमार यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि नमन किया इस नेक कार्य के लिए। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डीएनसीटी लाइव न्यूज। अपन तो भेजिए।